हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आर के सिन्हा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। उसकी फर्स्ट जो भाग है नाउन, उसी से पहले हम लोग शुरुआती करेंगे। तो फर्स्टली आज जो है हम लोग शुरू करें पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसे, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड। कहता है क्या कि जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं उनको उनके कार्यों के आधार पर 8 समूहों में बांटा गया, और वही 8 समूह जो है वो क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे नाउन का काम क्या है, तो नाउन का काम है आइडेंटिफाई करना, लोगों को पहचानना। तो उनके जो कार्य हैं, जैसे जैसे जिसका भी कार्य है सब अलग अलग भाग में बांट दिया गया, और उसी के आधार पर उन लोगों को विभाजित किया गया है, और वही जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पहला में है नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। सेकेंड हो गया प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। थर्ड हो गया एडजेक्टिव, जिसे हम लोग विशेषण कहते हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया जो हम लोग करते हैं। फाइव में हो गया एडवर्ब, जिसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन संबंध बोधक, उसके बाद है कंजेक्शन समुच्चय बोधक। उसके बाद लास्ट जो होता है वो क्या होता है, इंटरजेक्शन, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ये 8 हमारा क्या कहलाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाया, जो कि हर एक जो है जितना भी हम लोग 8 देख रहे हैं सब जो है अपने अपने कामों के आधार पर इन्हें बांट दिया गया है। अब सबसे पहला जो है नाउन, तो नाउन के बारे में हम लोग शुरुआती करेंगे कि नाउन है क्या, नाउन कहते हैं किसे। तो नाउन तो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं। तो नाउन का डिफिनेशन दो तरह से है। पहला, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाम वाले जितने भी शब्द होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे नाम किसी का भी ले लेते हैं, नदी हो गया, गंगा हो गई, उसके बाद जो है राम श्याम पटना, ये सब क्या है, तो नेमिंग वर्ड है। तो ये सब को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। दूसरा जो है डिफिनेशन इसका है, नाउन इज द नेमिंग नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। नाम जो क्या है, तो स्थान के नाम, जानवर के नाम, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, तो हम लोग नाम कहते हैं। जैसे में हो गया लंदन, टेबल, गंगा इत्यादि, ये सब क्या है, नाम आया। लंदन क्या है, शहर का नाम है। टेबल जो है नाउन है, जो कि वस्तु है, फर्नीचर का सामान है। गंगा नदी है। तो इस तरह से सभी जो है सब अलग अलग बांटे हुए हैं। अब पार्ट्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहला शुरुआती करते हैं प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, तीसरा जो है कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा जो है लास्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब जितने भी नाउन है, अब इसके जो नाउन के जो भाग हैं उनको भी उनके कार्य के आधार पर विभाजित किया गया है। तो आइए एक एक करके विस्तार से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन है क्या, प्रॉपर नाउन कहते हैं किसको, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेमिंग वर्ड, कहता है क्या कि खास नाम वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो खास नाम, जैसे यहाँ राम, राम एक लड़का का नाम है, तो यहाँ अगर वाय बोला जाता है तो पूरे लड़के का बोध हो जाता है, लेकिन अगर राम बोला जाता है तो यहाँ जो है खास लड़के का नाम बोला गया, यानी एक को इंगित कर रहे हैं, जिसको इंगित कर रहे हैं वो खास हो गया, तो वो जो हो गया राम हो गया।
राजू, राजू लड़का हो गया। कोसी की बात करते हैं, कोसी एक नदी है, तो यहाँ तो आगे से अगर रिवर बोला जाए तो पूरे नदी का बोध हो जाता है, लेकिन अगर एक नाम बोल दिए कोसी तो पूरे नदी नहीं, एक ही नदी जो कि कोसी नदी के नाम से जाना जा रहा है उस नदी का हम बोध किए। पटना, पटना जो है शहर का नाम है। ऐसे अगर बोला जाए टाउन, सिटी, तो ये सब जो है बहुत सारे सभी शहरों का नाम आ सकता है, लेकिन अगर पटना बोले तो एक ही शहर है, सिर्फ पटना है। ये सब इसका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल हो गया। अब जो है हम लोग इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो रूल नंबर वन, यह जो है सदैव सिंगुलर रहता है, ये जब भी आएगा तो सिंगुलर नाउन बन करके हमेशा एक वचन में रहता है। इसका पहला अक्षर जब भी रहेगा, जब शुरुआती हम लोग करते हैं कोई भी नाम लिखना तो उसका पहला अक्षर जो है कैपिटल रहेगा, इसके पहले जो है प्रायर आर्टिकल से बचा जाएगा। हम लोग जो है प्रॉपर नाउन के आगे जो है हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आर्टिकल लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है। रूल नंबर फोर, बट प्रॉपर नाउन विल टेक द इफ द यूज फॉर एडमायरिंग एनी वन। कहता है द का इस्तेमाल होता है, लेकिन कब होता है, जब कोई अति आवश्यक चीज़ आ जाए जो खास हो उसमें हम लोग लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया। भाभा का तो नाम सुने हैं, भाभा सा, तो उसमें जो है खास नाम हो रहा है जिसका जो है बोध किया जा रहा है विशेष में, तो इसीलिए हम लोग इसमें जो है द का इस्तेमाल करते हैं। एंड विल टेक ए एन इफ इज यूज्ड फॉर, और हम लोग ए एन का भी उपयोग करेंगे लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्त होते हैं। जैसे एवरी गर्ल्स थिंक्स हरसेल्फ ए प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया, प्रत्येक लड़की जो है देख रहे हैं कि यहाँ प्रियंका चोपड़ा उस एरिया की है, तो यहाँ जो है एक नाम को संबोधित करते हुए जो है हम लोग जो है इसमें ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा प्रॉपर नाउन के नियम हो गए जिसको हम लोग पहचाने, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है इसके कुछ एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का उदाहरण पहला, गंगा इज ए हॉली रिवर। गंगा जो है एक धार्मिक नदी है, ठीक है, तो गंगा यहाँ जो है खास नाम है। गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये जो है नदी के नाम को संबोधित कर रहा है। ऐसे अगर रिवर बोला जाता तो सभी नदी आ सकती थी, लेकिन यहाँ अगर बोल दिया गया गंगा तो गंगा जो है यहाँ क्या गया, खास नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। राधा इज ए सिंगर, राधा क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो राधा जो है यहाँ लड़की के नाम को संबोधित किया जा रहा है, तो राधा जो हो गई प्रॉपर नाउन होगी, क्योंकि यहाँ जो है किसी खास लड़की को जो है उसके नाम से हम लोग संबोधित कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, राधा, और यही जो है हमारा प्रॉपर नाउन।